गाइस वेलकम टू माय चैनल। नाउ ये ना उसमें बहुत मेरे को मिक्स ऑफ आपको चीज़ें बतानी है ना। सबसे पहली चीज़ मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, दो एक अपडेट भी देना है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी ना एक है कि 25th को आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 25th है और आप लोग देखोगे 26th को। तो मम्मा को बेसिकली कहीं पार्टी में, अभी मम्मी वहाँ पर हैं तो उनको बेसिकली वहाँ पे थीम थी, उस थीम के अकॉर्डिंग हमने एक मीशो से 3 चीज़ें ऑर्डर की थी ये एक्सपेक्टेशन से कि वो 25 तक आ जाए। उनमें से एक 25th को आ भी गई, बट वो बात अलग है, मम्मा ने वो पहनी नहीं जस्ट बिकॉज मम्मी को अपनी वार्डरोब में कुछ मिल गया था, ठीक है, उस थीम का, एंड बहुत ढूंढने के बाद मिला, बट मिल गया। और ये जो आया वो थोड़ा सा ढीला भी था, बट वो बहुत प्यारा है, उसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो ये हमने ये लिया, ये तो साथ ही इसको हटा दिया, ये हमने ना उसी टाइम सुबह वो कर लिया था। आपको दिखाती हूँ ओपन। सो जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत प्यारा सा है, सच में इतना प्यारा है ना ये। मतलब हमारा एक्चुअली ऐसा था कि थीम थी रेट्रो वाइब, तो 80s में पहने थे और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, इसमें पोलका डॉट्स थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट है ना, हमें मीशो पे एक चीज़ मिली, वैसे मैं इसका एक हॉल करने वाली हूँ, बट आज ऐसी मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आ गया ये ऐसा है। उसमें मैं पहन के और स्टाइल करके पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। अभी इसको ऐसे देख लो, ये इतना प्यारा और एकदम परफेक्ट है। पता है अपना अपन समर सीजन चल रहा है, इस भयंकर का समर सीजन चल रहा है ना अभी, इतनी गर्मी उसमें ये बेस्ट है। और ये थोड़ा सा ढीला है, ये एल साइज है। अब मेरे को इसको एक्सचेंज करा के एम करवाना है, आज ही करवा दूँगी तो भूल जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं वीडियो बनाऊँ इसकी तब तक एम साइज़ भी आ जाए, तो इसका मैं एक्सचेंज करके एम साइज़ मंगवाऊँगी, क्योंकि मम्मा को नहीं आ रहा ये इसलिए। तो और फिर मैं भी पहन लूँगी ना यार, ये भी सही है। तो ये बहुत प्यारा था, अपन स्टाइल करेंगे। तो एक तो ये चीज़ शेयर करनी थी। इसकी प्राइस 365 या 345 कुछ ऐसे ही था, क्योंकि मेरे को पता है मैंने अभी पे ही किया था दिन में, तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमने COD किया था। बट हाँ, इसकी प्राइस 345, हाँ 345 समथिंग का ये भाई, 350 के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी मैं इसको स्टाइल करने वाला है, तो विल सी दैट, ठीक है। एक तो ये चीज़, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये कि रुको। सो अभी ना मैंने एक आउटफिट जो भी उनको बताया था कि अभी हम आज कहीं गए थे, तो अभी मैं आई हूँ, इसमें पूरे शक्ल में थे पसीने पसीने हो रहे ना, आई डोंट आपको दिख रहा है नहीं, बट हाँ बहुत भयंकर भी पंखा भी नहीं चला रखा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आवाज़ सुनने में मेरी। तो अभी मैंने आउटफिट जो स्टाइल कर रखा है ना उसमें ना एक मीशो की चीज़ है, तो आई थॉट मैं आपको भी बता देती हूँ। सो इसमें ना ये टॉप एक्चुअली मैंने बताया मम्मी को पट पे जाना था, तो ना मम्मी ने पूरे बेड पर ऐसे कपड़े होता है ना, मतलब कहीं बाहर जाना होता है तो कपड़े तो नेक्स्ट लेवल फैल रहता है। तो ये है ना टॉप जो मैंने पहन रखा है, ये मम्मी का है, मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि मेरे आ जाएगा, बट अच्छे खासा आ गया। देखो दिस इज़ द टॉप, आपको दिख रहा होगा। एंड मैं ना बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं पहन ही नहीं रही थी, मुझे था मैं घूम फिर के ब्लैक पैंट वही पहन लेती थी, बट मुझे था नहीं यार इसके साथ, मुझे लग रहा था रेड या वाइन, मैं एक वाइन कलर का मैं ट्राउजर है जो मैंने इस वाली वीडियो में शेयर किया है मीशो के बॉटम वेयर हॉल में, आप लोग देखना। और मैंने बॉटम वेयर अब तो शायद दो शेयर कर दिए, दोनों देखना, एक तो अभी लेटेस्ट में शेयर किया है और उससे पहले भी शेयर किया, ठीक है। ये एक वाइन कलर का ट्राउजर है, इसमें कोई चेन वेन बटन नहीं है, इट्स लाइक ऐसा, और बहुत प्यारा, इसकी लेंथ भी बहुत सही है, मतलब ऐसे एकदम मेरे को कुछ इसको सही कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये इससे परफेक्टली मैच कर गया। पहले मैं सोच रही थी कि यार रेड के साथ वाइन विल इट लुक गुड, फिर मैंने सोचा दिमाग नहीं लगाओ, अच्छा लग रहा है एंजॉय, सच में बहुत प्यार लुक लग रहा था इससे। तो मैं बस ऐसे ही गई थी, ये टॉप मम्मी का है, आई डोंट नो यार मम्मी ने कहाँ से लिया था, बट ये ट्राउजर जरूर मुझे पता है मीशो का था, अगेन आई थिंक 300-400 भी शायद ज़्यादा ही होगा, मैं फोटो लगा दूंगी। तो हाँ मैं यही पहन के गई थी, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये तो आउटफिट्स का हो गया ना, अभी मैं एक आउटफिट स्टाइल करने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या स्टाइल करने वाला है, लेट्स गो। हाँ एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, मैं बस कपड़े चेंज करने चाह रही थी कि मेरे को आपको याद आया, मैंने जो नीचे पहन के मैं गई थी स्लीपर्स, मेरे पहनने का जूते बन था, पर जूते मेरे इतने गंदे होते थे ना क्या ही बताऊँ, देखो यहीं पर ही है, इसलिए मैं डांस क्लास पहन के जाती हूँ, तो मैं हमेशा यही रहता है, मैं यही पहन जाती हूँ। और इसके बाद मुझे पता नहीं वीडियो में कैसी आएगी, बट बहुत ही गंदी भयंकर हालत हो रही है, मतलब तो ये नहीं। तो मैंने मीशो से ली थी और ये मेरी मीशो की फेवरेट है, मतलब अगर मैंने मीशो से कोई फुटवेयर ली है, इतनी सारी आप लोग को पता है ना मेरी फेवरेट फुटवेयर इज़ दिस वन, ये मैं इतना पहनती हूँ बीच में नहीं टूट, क्योंकि यार प्राइस वाइज इतनी सस्ती थी, 300 समथिंग की होगी, मुझे याद नहीं है, पर इतनी सही थी प्राइसेस की थी। इस वाले हॉल में मैंने शेयर किया है तो आप देख लेना, मैं ऐसे बता रही आपको और वैराइटीज़ दिख जाए। तो उस टाइम पे मैंने ना, पर पता नहीं यार ये, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसकी क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ही है, तो बीच में क्या हुआ था इसका कुछ निकल गया था, राइट का निकला था या लेफ्ट का ये निकल गया था, कुछ ऐसा हुआ था, साइड से निकला था या पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने, मेरे को तो इतनी पसंद थी, मेरे को तो चाहिए थी, मैंने मम्मा को बोला मम्मी प्लीज़ सही कराओ सही कराओ, फिर मम्मी सही कराई इसको, तो हाँ अभी है ये।
तो यार बट ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत लाइक मेरी तो फेवरेट है, तो मैं यही पहन के चली गई थी। ये भी मीशो से भाई उसी प्राइस की है। सो या अब चलते अपन वो आउटफिट में, मैं आपको बताऊंगी वो किस उसका रीजन क्या है, टेल यू। लेट मी शो यू दी ड्रेस, बाकी पूरी दिखाती हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, पहले भी मुझे लगता था मेरे टाइट हो गई बट आई डोंट नो ये कैसे आ गई। तो ये ड्रेस बहुत पहले की है, बैंकॉक से आए थे मामा तब की है, बट लेट मी शो यू। इसे मैं ये शर्ट पहनने वाली हूँ, ठीक है ना अपन ने ना ये वाली शर्ट लिया, ये शर्ट इसे ब्लेंड करी थी और ये वाइट हुई डिटेलिंग दे रही थी, तो मैंने इस शर्ट को थोड़ा सा अलग, ये ओवरसाइज शर्ट जैसे आपने देखा, और इसको मैंने इसे क्रॉस करके, लेकिन वापस दिखाती हूँ, इसे क्रॉस किया और एक मैंने इस साइड से इसको अंदर डाला और एक इस साइड से, बट आई रिकमेंड कि ये थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, तो इसलिए ना इसमें जो बटन्स है ऐसे करके ऐड कर लेना, मतलब बंद बंद कर लेना, आप सेफ्टी पिन से भी ऐड कर सकते हो। पीछे से मैंने एज इट इज़ ऐसे कर लिया, ज़्यादा अच्छे से फिक्स के लिए आप या तो बटन या सेफ्टी पिन से टाई कर सकते हो, बट ओवरऑल लुक देखो यार कितना प्यारा लुक लग रहा है ये, लाइक मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड पता है लाइक मेरे को विद शर्ट ज़्यादा अच्छी लगी ये ड्रेस, एंड इसमें ये है कि जो अपन ने शर्ट को ऐसे किया है ना, इट्स लाइक अ हैग, दिस इज़ लाइक कि आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से टकिन है, पर या तो आप सेफ्टी पिन से अंदर और टकिन कर लेना या नॉट बांध देना लाइक अंदर की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे नॉट नहीं कि दिखनी चाहिए, अंदर की तरफ नॉट कर देना जिससे ये बस हिले नहीं बस, बट ओवरऑल ये स्टाइल बहुत प्यारी लग रही है मुझे, एंड आई एम तो जस्ट लाइक, आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो सच में मतलब ड्रेस में ऐसा लग रहा है चार चांद आ गया यार इस शर्ट से, सो आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस शर्ट। सो या गाइज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की, ये लो सीटी बजी कुकर की, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोज देखनी है, वीडियो कैसी लगी, एंड या गाइज आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।